सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 का फेब्रुअरी अटेम्प्ट का सर्कल एंड पैराबोला का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको माय डियर फ्रेंड हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पे आप कम से कम 3 से 4 कॉन्सेप्ट जो है सीख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसको आप शुरू से अंत तक देखेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने में है। ठीक है, ए लाइन इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इफ द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर डिस्टिंक्ट एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ टू होल ब्रैकेट ए प्लस सी। तो आपको सबसे पहले क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल क्या है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि ये दो लाइन और पैराबोला क्या कर रहा है, एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, और ये कॉमन टेंजेंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा है। तो सबसे पहले सर्कल और पैराबोला को ड्रॉ कर लो। सर्कल और पैराबोला को ड्रॉ करना बहुत ही इजी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये सर्कल क्या होगा, वाई एक्सिस को टच करेगा बिकॉज इसका रेडियस जो है 3 है और एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का कितना है, 3 है। तो कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा, आपको दिखाता हूँ, इस तरह का कुछ सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो पैराबोला हमारे पास में है, ये पैराबोला कुछ इस तरह से कट करते हुए जाएगा, कुछ इस तरह का आपको बन जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि कोई लाइन होगा, इस तरह का लाइन है। ठीक है, दो पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट यानी सर्कल वाला पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, पैराबोला वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। और ये जो ए पॉइंट है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल पर ए कॉमा बी पर टच कर रहा है एंड पैराबोला में टच कर रहा है बी को, दैट इज सी कॉमा डी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस सी, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पैराबोला है इसके लिए अगर एम स्लोप का टेंजेंट लिखेंगे तो लिखेंगे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाई एम। ठीक है, और अगर ये सर्कल के लिए एम स्लोप का कॉमन टेंजेंट लिखेंगे तो आप लिखोगे वाई इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस ए। रेडियस कितना होता है, 3, यानी 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब ये दोनों लाइन क्या है माय डियर फ्रेंड, ये दोनों लाइन आपका सेम लाइन हो गया। ठीक है, दिस टू लाइन आर सेम। तो जब ये दोनों लाइन सेम हो जाएगा तो दोनों का y y बराबर है, mx mx भी बराबर है, तो जो कांस्टेंट होगा वो भी इक्वल होगा। तो कांस्टेंट को इक्वल कर दीजिए, 1 बाई m इक्वल टू माइनस 3m प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। जब इधर लेके चलेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 3m स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। और जब यहां से हम लोग इसको a प्लस b का होल स्क्वायर इसको हम लोग करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो 9m पावर 4 9m पावर 4 कैंसिल हो गया। यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस, यहां मिल जाएगा 6m स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर आपको मिल जाएगा 9m स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल रहा है m का वैल्यू ±1/√3, ±1/√3। ठीक है, m का वैल्यू कितना मिल गया, ±1/√3। आप ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का टच कर रहा है दोनों, यानी आपको m का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको m का वैल्यू जो है y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लाइन मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो पैराबोला का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका वैल्यू होता है, आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट है,
ए बाई एफ स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, मैं ए का वैल्यू है यहाँ पर, मैं ए का वैल्यू 1 है, इसको पॉइंट को पुट कर देंगे तो, और आपको प्लस वाला एम लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस वाला एम लेने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एम का कौन सा वाला सिलेक्ट करोगे आप, प्लस वाले को लोगे, एम इक्वल टू 1/√3, प्लस लोगे तभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट आएगा। अगर नेगेटिव ले लेंगे तो 2a/m नेगेटिव आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं आएगा। तो a का वैल्यू 1, m का वैल्यू 1/√3, यानी 1/1/3, तो ये पॉइंट आ गया 3, और ये आपको आ जाएगा 3, 2√3, 3, 2√3। तो ये तो आपका किसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, पैराबोला का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, ठीक है, जिसमें आपको सी कॉमा डी जो है, बी का जो सी कॉमा डी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो ये सी हो गया, ये क्या हो गया, 2√3, ठीक है। अब मुझे ए का वैल्यू निकालना है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा आपको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m, और एम का वैल्यू 1/√3, यानी एक्स बाई रूट थ्री प्लस 1/√3, यानी कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब ये लाइन जो हो गया, ये टेंजेंट है, तो सर्कल को अगर टच कर रहा है, पिछला केस में सर्कल को टच कर रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0, टेंजेंट का कंडीशन, टेंजेंसी के लिए, ठीक है। यानी सर्कल का इक्वेशन क्या था, सर्कल का इक्वेशन था एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पर वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 9 प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल, यानी 2x+3=9, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस 2x+3=9। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको मिल गया 4x² / 3, और ये माइनस सिक्स एक्स प्लस 2x यानी -4x, अब प्लस 9 लाइन कैंसिल, यहाँ पर बन गया +3=0, ठीक है। तो यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ सब अगर 4, तो यहाँ पर मैं आपको मिल गया 4x² - 12x+9=0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2x-3=0। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया कितना, 3/2, x का वैल्यू 3/2, यानी सर्कल का जो x कोऑर्डिनेट होगा, ये जो टच किया था a कॉमा b, तो a का वैल्यू, ये किसका वैल्यू आ गया, a का वैल्यू a = कितना हो गया, 3/2। ये जो 3 आया था ये किसका वैल्यू था, सी का वैल्यू था, यानी सी का वैल्यू कितना हो गया, 3, सी का वैल्यू 3 हो गया, और ए का वैल्यू आपको आ गया 3/2। आपको निकालना है 2 टाइम्स a+c, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा 2 टाइम्स 3+3/2, तो ये कितना हो गया आपके पास में, 6+3 9/2, यानी इसका आंसर आ गया 9। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया, 9।